गैमिट फॉर्मेशन. बिफोर इट द प्रीवियस हेडिंग वॉज मॉर्फोलॉजी ऑफ गैमिट्स, बट इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हाउ गैमिट्स फॉर्म एंड वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पेरेंट्स दैट फॉर्म द गैमिट्स. कीप इन माइंड द डेफिनेशन रिगार्डिंग द गैमिट फॉर्मेशन इज ओवर. दैट इज द अदर नेम ऑफ गैमिट फॉर्मेशन इज द गैमिटोजेनेसिस. सो पॉइंट फर्स्ट इज गैमिट फॉर्मेशन. रिगार्डिंग पॉइंट फर्स्ट इज गैमिट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड इन नेचर. गैमिट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड इन नेचर. नाउ नेक्स्ट इज इफ पेरेंट्स आर हैप्लॉयड, दिस शुड बी योर हेडिंग. मतलब अगर पेरेंट्स हैप्लॉयड हो, गैमिट्स अगर हैप्लॉयड हो और पेरेंट्स भी उसके ऑलरेडी हैप्लॉयड, सपोज दैट दिस इज द पेरेंट्स. इफ पेरेंट्स आर हैप्लॉयड एन ऑलवेज विल बी फॉर द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड. कीप इन माइंड. सो इफ द हैप्लॉयड देयर विल बी द एन, इफ द डिप्लॉयड देयर विल बी 2n. So if the parents is haploid, then it will able to form gametes, and gametes are always be haploid. So tell me the important types of cell division that happened for the formation of this type of gametes in the parents. कौन सा type का cell division होगा कि ये parents haploid gametes बना लिया. ठीक है, very good. Mitosis. एक बार इसको मैं बता दूं, mitosis में क्या होता है कि अगर सपोज दैट ये एन वाला कोई, जैसे मान लो कि ये 2n वाला कोई मेन बॉडी है, इसमें सेल है, इसमें माइटोसिस हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है माइटोसिस. तो इसमें क्या होते हैं, दो सेल बनते हैं. ठीक है, एक सेल से दो सेल बनते हैं और दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतने ही रहते हैं जितने कि मेन बॉडी में. तो आपको फोकस करना है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किस कंडीशन में पेरेंट्स के बराबर रहता है, रहना चाहिए, तो वो माइटोसिस में होता है. और मियोसिस में अगर इसमें हो तो इसमें एक से चार सेल बनेंगे और चारों में नंबर ऑफ सेल मेन पेरेंटल बॉडी के क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे. तो यहाँ पे क्या है कि हमको कंडीशन मिल गया कि गैमिट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमेशा आधा होगा, और एक और कंडीशन मिल गया पेरेंट्स में आधा है, पेरेंट्स में ऑलरेडी क्या है हाफ है, दोबारा हाफ होगा तो ये पेरेंट्स के बाद जो गैमिट्स बनेगा वो साफ हो जाएगा. इसलिए ये गैमिट्स में माइटोसिस होगा जिसकी वजह से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बना सकते हैं. जैसे तुम्हारे पास सपोज दैट एक रोटी है, एक ही रोटी है, और तुम्हारे सामने एक भूखा आदमी है जो कह रहा है कि हम एक रोटी मिलेगा तभी हम जिएंगे, अदरवाइज मर जाएंगे, तो तुम उसे कितना रोटी दोगे, एक रोटी दोगे, सिंपली तोड़ोगे ही नहीं. तो यहाँ पे कंडीशन वही है कि इस पेरेंट्स में के पास दो ऑप्शन है, माइटोसिस के भी ऑप्शन है, मियोसिस के भी ऑप्शन है, लेकिन ये माइटोसिस कर नहीं सकता. ठीक है, ये मियोसिस कर नहीं सकता, इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी ये नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी नंबर ऑफ गैमिट्स इसके पास क्या है, ऑलरेडी हाफ है. तो ये माइटोसिस के थ्रू नंबर ऑफ हैप्लॉयड क्रोमोजोम्स, नंबर ऑफ हैप्लॉयड क्रोमोजोम्स गैमिट्स बनाएगा वो माइटोसिस के थ्रू बनाएगा. ठीक है, तो माइटोसिस और मियोसिस में यही बेसिक डिफरेंट है. तो क्वेश्चन ये पूछता है कि ड्यूरिंग, लिख लो कॉपी में, ड्यूरिंग हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नेम द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट अकर्स इन पेरेंट्स. ड्यूरिंग हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नेम द टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स इन पेरेंट्स. तो ये अगर हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब क्या होता है कि कुछ लाइफ साइकिल हैप्लॉयड हो और कुछ लाइफ साइकिल क्या हो, डिप्लॉयड हो. ठीक है, तो अब ये गैमिट्स फिर मेल में भी ऐसे ही बनेगा, फीमेल में भी. एक पेरेंट्स मान लो P1 क्या है, मेल है, और दूसरा पेरेंट P2 क्या है, फीमेल है. ये भी माइटोसिस के थ्रू हैप्लॉयड गैमिट्स बनाए, ये भी माइटोसिस के थ्रू. अब ये गैमिट्स मेल का और दूसरा फीमेल का दोनों फ्यूज हुआ तो 2n बना. इसके बाद की कहानी क्या होगी, वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में चली जाएगी. ठीक है, तो आपको करना क्या है कि लिखेंगे कॉपी में, ड्यूरिंग द हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल द पेरेंट्स फॉर्म द गैमिट्स थ्रू द माइटोसिस. ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है जिसके थ्रू पेरेंट्स हैप्लॉयड गैमिट्स माइटोसिस के थ्रू बनाते हैं. तो उसमें एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पास एल्गी, मोनेरंस, जितने भी मोनेरंस होते हैं यानी कि बैक्टीरिया होते हैं, फंगी, सब फंगी नहीं कुछ फंगी, ब्रायोफाइटा. ब्रायोफाइटा के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. तो इसमें क्या होता है, इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में पेरेंट्स माइटोसिस के थ्रू क्या बनाते हैं, गैमिट्स बनाते हैं. वो गैमिट्स मेल और फीमेल का दोनों फ्यूज करता है और आगे की कहानी 2n हो जाती है. फिर ये गैमिट्स, ये 2n क्या होता है, ये फिर मेल बनाता है, फीमेल मेन बॉडी बनाता है जिसमें हैप्लॉयड हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं. यानी पेरेंट्स जो है गैमिट्स किसके थ्रू बनाते हैं, वो माइटोसिस के थ्रू बनाते हैं. ठीक है, अब आगे एक क्वेश्चन लिख लीजिए कॉपी में,
नेम द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट अकर्स इन जाइगोट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल। रिवर्ट बैक करके क्वेश्चन सुन लीजिएगा। नेम द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट अकर्स इन जाइगोट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसको डबल स्टार ट्रिपल स्टार जितना मन करे कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन मैं स्लो बोल रहा हूं। जस्टिफाई द स्टेटमेंट्स दैट, डबल इंटेड काम अब लिखिए, जस्टिफाई द स्टेटमेंट्स दैट सेल डिवीजन फॉर गैमीट फॉर्मेशन, सेल डिवीजन फॉर गैमीट फॉर्मेशन आर नॉट ऑलवेज सिमिलर टाइप इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, आर नॉट ऑलवेज सिमिलर टाइप इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। इसको कैसे लिखेंगे, सपोज दैट ऑर्गेनिजम्स डिप्लॉयड हो। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पॉइंट्स लिख लीजिए इसके लिए, थर्ड पॉइंट्स। पहला पॉइंट्स था आपका गैमीट आर हैविंग हैप्लॉयड नेचर, सेकेंड क्या था इफ पेरेंट्स आर हैप्लॉयड। अब अगला पॉइंट क्या होगा, इफ पेरेंट्स आर डिप्लॉयड। अभी लास्ट वाले जो क्वेश्चन जस्टिफाई वाला, उसको मैं एग्जाम्पल में इसमें जस्टिफाई कर दे रहा हूँ, आप सुनते रहिए। इफ पेरेंट्स आर डिप्लॉयड, डिप्लॉयड के लिए कंडीशन क्या लिखेंगे, 2n। ठीक है, सपोज दैट ये कोई पेरेंट्स है जो 2n है और ये गैमीट्स बना रहा है, तो इसके बीच में कौन सा सेल डिवीजन होगा, मियोसिस, मियोसिस। ठीक है, तो आपका जो लास्ट क्वेश्चन था वो क्या होगा कि नॉट ऑल्टर दैट इज सेल डिवीजन फॉर द गैमीट फॉर्मेशन आर नॉट सिमिलर टाइप इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, द स्टेटमेंट इज ट्रू मीन्स फॉर द गैमीट फॉर्मेशन Not all times meiosis or mitosis happened in the all type of organisms because some organisms are haploid while some organisms are diploid. If the organisms are haploid, then there will be mitosis. If organisms are diploid, there will be meiosis. So cell division type for the gamete formation are not always similar type. ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, बहुत important topic पे discuss करते हैं। Meiosis के through जो gametes बनता है किसमें, डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में। डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, एनिमल्स में और हायर प्लांट्स में, लाइक एंजियोस्पर्म, एनिमल्स में और हायर प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, इसमें मियोसिस के थ्रू क्या बनता है, गैमिट्स बनता है। तो इस केस में हमारे पास एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मेरा फिंगर है, ठीक है, फिंगर है, ये हमारा पूरा पाम है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है कि हमारा फिंगर के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो सब के सब क्या है, डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड है, कीप इन माइंड डिप्लॉयड है। तो इसमें ऐसा नहीं कि इसमें मियोसिस हो जाएगा तो इससे गैमिट्स बनने शुरू हो जाएंगे, इससे स्पर्म या ओवा बनना शुरू हो जाएंगे, नहीं। कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, सभी सेल्स नहीं, कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिसमें मियोसिस होता है और वो गैमिट्स बनाते हैं, सभी सेल नहीं। लीवर भी डिप्लॉयड है, उसमें मियोसिस नहीं हो सकता है। हमारे ब्रेन सेल भी डिप्लॉयड है, उसमें भी मियोसिस नहीं। हार्ट सेल भी डिप्लॉयड है, उसमें भी मियोसिस नहीं होता। लीवर, किडनी, ये सब में डिप्लॉयड है, ठीक है, लेकिन इसमें मियोसिस नहीं हो सकता है। ओनली स्पेशल फीचर्स, ओनली स्पेशल सेल्स इन आवर बॉडी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मियोसिस एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैमिट फॉर्मेशन, दैट स्पेशल सेल्स आर कॉल्ड मियोसाइट सेल्स, मियोसाइट सेल्स। तो क्या लिखेंगे, व्हाट इज मियोसाइट सेल्स, मियोसाइट सेल्स लिख लो कॉपी में, वेरी इंपॉर्टेंट है। मियोसाइट सेल्स आर द स्पेशल डिप्लॉयड सेल्स दैट हैव एबिलिटी टू गैमीट फॉर्मेशन, दैट इज स्पेशलाइज्ड सेल दैट हैव एबिलिटी टू गैमीट फॉर्मेशन। कीप इन माइंड मियोसाइट सेल्स दैट हैव एबिलिटी टू गैमीट फॉर्मेशन, कीप इन माइंड, एंड इट इज ऑलवेज विल बी इन द डिप्लॉयड। तो मियोसाइट सेल्स हमेशा क्या होंगे, हमेशा इनकी कहानी डिप्लॉयड ही होगा, ये कभी भी हैप्लॉयड नहीं हो सकते। अब आपके पास एक क्या है, एक मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, सपोज दैट गैमिट्स आपके सामने, क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, सपोज दैट गैमिट्स हैविंग 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, देन टेल मी द नंबर ऑफ, दैट इज कीप इन माइंड दैट इज गैमिट्स, सो टेल मी द नंबर ऑफ मियोसाइट सेल्स दैट इज डेवलप दिस टाइप ऑफ गैमिट्स, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन द मियोसाइट सेल्स फॉर दिस टाइप ऑफ गैमिट्स, वेरी गुड, 46। सो ऑलवेज गैमिट्स आर 2n टाइप, सो n इज द गैमिट, वैल्यू ऑफ गैमिट इज n,
सो फॉर दिस एन द टू एन विल बी 46. कीप इन माइंड एन मीन्स 23, सो टू एन मीन्स 46. सो यू मे हैव द क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टर्म्स. इफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन गैमिट्स आर नोन, देन इट इज वेरी इजी टू नो द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन गैमिट्स इन द मियोसाइट सेल्स. अब आपको लिखना क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए कॉपी में, होमवर्क है. जितने भी होमवर्क यहां मैं बोल रहा हूं सब बोर्ड के क्वेश्चन है, लिखिए कॉपी में. स्टेट द डिफरेंट बिटवीन मियोसाइट्स एंड गैमिट. स्टेट द डिफरेंट बिटवीन मियोसाइट्स एंड गैमिट्स विथ रिस्पेक्ट टू क्रोमोजोम नंबर, विथ रिस्पेक्ट टू क्रोमोजोम नंबर. ठीक है, तो यहां पे क्रोमोजोम नंबर आपको वैल्यू नहीं लिखना है, ओनली एन एंड टू एन. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट. गैमिटोजेनेसिस एंड मियोसिस आर इंटरलिंक्ड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट्स. गैमिटोजेनेसिस एंड मियोसिस इन डिप्लॉयड लिविंग बींग आर इंटर लिंक्ड. द स्टेटमेंट इज ट्रू. गैमिटोजेनेसिस नॉट अकर्स थ्रू द माइटोसिस इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स बिकॉज गैमिट्स आर ऑलवेज विल बी हैप्लॉयड इन नेचर. इफ द डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म माइटोसिस इन प्लेस ऑफ मियोसिस देन देयर विल बी डिप्लॉयड गैमिट्स एंड द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन जाइगोट विल बी अल्टर्ड. दैट्स वाई द गैमिटोजेनेसिस एंड मियोसिस आर इन द डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स आर इंटरलिंक्ड टूगेदर. विदाउट मियोसिस नो गैमिट्स फॉर्म इन द डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम. दैट विल बी द आंसर. दिस शुड बी एलेबोरेट इन योर क्वेश्चन, इन योर आंसर, इन योर जस्टिफिकेशन टाइप आंसर. नाउ बैक टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होमवर्क. सबसे पहले आप पेज नंबर 13 पे पहुंचिए, एनसीईआरटी पेज नंबर 13 पे. और आपको करना क्या है कि एक टेबल बनाना है, बना हुआ है वहां पे टेबल बना हुआ है. टेबल 1.1 को आप देखिएगा, 1.1 टेबल को जब आप अच्छे से देखेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मेन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है. उसमें क्या है कि उसमें नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स होगा, एक 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 टेबल होगा नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स. रुको मैं दिखा रहा हूँ, वन मिनट उसको मैं दिखा रहा हूँ. आई होप सबको ये दिख रहा होगा. ये टेबल 1.1 पेज नंबर 13 पे दिया हुआ है. नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्रोमोजोम नंबर्स इन मियोसाइट्स, क्रोमोजोम नंबर इन गैमिट्स. ठीक है, तो यहाँ पे ये लिस्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उसमें नंबर ऑफ गैमिट्स जो उसके मेन बॉडी में होते हैं यानी कि मियोसाइट सेल्स में, और नंबर ऑफ जो क्रोमोजोम्स उसके गैमिट्स में होते हैं वो दिया हुआ 23. तो ये तो पूरा कंप्लीट दिया हुआ है. अब यहाँ हाउस फ्लाई है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कितना दिया हुआ 12, तो इसके गैमिट्स में आप फाइंड आउट कर लेंगे कितना कर लेंगे, 12 का आधा कर देंगे तो ये फाइंड आउट हो जाएगा 6. ऐसे ही रेड डॉग कैट पूरा आपको ये सब लिखने हैं सीक्वेंस में, और ये कॉपी में फेयर कॉपी में भर लेने हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गैमीट ट्रांसफर. थैंक यू.